प्रयागराज जनपद के तहसील 12 के अंतर्गत चौकी जारी के सामने पत्रकार ने एसपी जमुना पार को घेर कर पत्रकार उत्पीड़न पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि तहसील 12 क्षेत्र के थाना कोंदियारा के अंतर्गत चौकी प्रभारी जारी ने अपने रौब में आकर मनोज कुमार बिंद पत्रकार को समाचार संकलन के लिए चौकी जाने पर शांति भंग के आरोप में मुकदमा कायम करके जमकर मारा पीटा था। इसी प्रकरण को लेकर क्षेत्र के पत्रकारों में काफी आक्रोश है। एसपी जमुना पार ने पत्रकारों से कहा कि आपके प्रकरण की जानकारी प्राप्त हुई है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज महोदय अभी नहीं है, इस वजह से त्वरित कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आप लोग कल एक ज्ञापन हमें दें, हम जरूर कार्रवाई कराएंगे। आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा, आपको न्याय अवश्य मिलेगा। प्रयागराज से अजय पांडे की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, जो अभी वार्तालाप हुई है एसपी यमुना पार से, उस परिप्रेक्ष्य में आप कल एप्लीकेशन दिया जाएगा आपके द्वारा, उसके बाद अगर कार्यवाही नहीं होती तो क्या कुछ किया जाएगा? आज एसपी यमुना पार महोदय से जो वार्ता हुई है बहुत सार्थक हुई है। उन्होंने कहा है कि एक आप लिखित प्रार्थना पत्र हमको कल दे दीजिए और मैं 2 दिन के अंदर जो है इस पर कार्रवाई करूँगा। पत्रकार उत्पीड़न पर हम कार्रवाई करवाएंगे। अभी हमारे एसएसपी महोदय नहीं हैं और मैं 2 दिन उनका इंतज़ार करूँगा एसपी महोदय का, और उनकी बातों पर हमें विश्वास है। और 2 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती तो मैं अपने पूरे संगठन के समस्त पत्रकारों से अपील करूंगा कि हम लोग सब लोग इकट्ठा होकर के अपना माइक पेन जो भी है सब जमीन पर रख करके डीएम साहब के कार्यालय के सामने धरना देंगे, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग वहां से नहीं उठेंगे। और इस बीच में हम शांतिपूर्ण ढंग से धरना देंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए। मैं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का तहसील इकाई का अध्यक्ष हूँ और अपने पत्रकार के लिए मैं जी जान से लड़ता रहूँगा। हमारे पत्रकारों का उत्पीड़न होगा ये बर्दाश्त की बात है, नहीं है जी। पूरा नाम? मेरा नाम है मोहम्मद अली भैयन, मुझे कहते हैं जी। मनोज जी से अभी एसपी यमुना पार से बात हुई, उन्होंने कहा लिखित आश्वासन दीजिए, लिखित एप्लीकेशन दीजिए तो कार्यवाही निश्चित होगी। बना रहे भैया, मैं पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि हम एसपी जमुना पार की वार्ता हमारी बड़ी सार्थक रही, कल हम लिखित उनको दे रहे हैं और 2 दिन का समय मैं एसपी जमुना पार महोदय को दूंगा, पत्रकार दे रहे हैं। उसके बाद अगर बुधवार तक कार्रवाई नहीं होती है तो हम बृहस्पतिवार को पत्रकारगण अपनी माइक डाउन करके डीएम साहब के मेन गेट पर बैठने का कार्य करेंगे, कार्रवाई जब तक नहीं होती है तो। सत्येंद्र पाठी, प्रदेश महासचिव अखिल भारतीय पंचायत परिषद। एकदम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम किसी प्रकार का उपद्रव नहीं करेंगे, हम वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गेट पर बैठेंगे और अपनी समस्या का जब तक समाधान नहीं होता है हम आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। मनोज जी, आज 5वां दिन है, जो कुछ आपके साथ हुआ पहले उसको बताएं, कितनी कार्यवाही हुई उसको भी बताएं। सर, कार्रवाई अभी तक 1% भी नहीं हुई है हमारे साथ। जो हमारे साथ घटना हुई है, घटना के बारे में अगर कहा जाए तो बहुत ही निंदनीय इस घटना को कहा जाएगा कि गणैया ग्राम सभा चौकी के जस्ट बगल है, यहाँ एक 5 लोगों को यहाँ पे शादी के लिए निमंत्रण किया गया था, यही गणैया गांव के उटान बस्ती के हैं, लेकिन मैं 12 से कवरेज करने के लिए गन्ने तरफ निकला था तो हमारे रिश्तेदारी में कुछ लगाव यहाँ पे पड़ता है तो हमको बताया गया कि यहाँ 5 लोगों को 4 लोगों को यहाँ से उठा ले गए हैं जारी चौकी उठा ले गए हैं। तो हम बोले उनसे कि आप रुकिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मैं समझ लूँगा वहाँ पे। मैं यहाँ पे जैसे आया वहाँ से मिलकर यहाँ पे जारी चौकी यही गेट के सामने पहुँचता हूँ तो जारी चौकी इंचार्ज जो हैं शेखर उपाध्याय जी हमारा कॉलर पकड़ कर घसीटते हुए हमको वहाँ से ले आए और मार कर, यही नीम का पेड़ है, इसी नीम के पेड़ में चारों तरफ से इसे पकड़ा कर हम लोगों को मारा गया। अभी तो क्या कार्रवाई? अभी 1% भी कार्रवाई नहीं हुई है। लगभग मामला सभी अधिकारियों के संज्ञान में है जी। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यहाँ से इनको किसी भी हाल में ये हमारे नज़र से यहाँ पे नहीं दिखे, इसको सस्पेंड किया जाए।
धन्यवाद। मनोज कुमार बिंद, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज, रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।